तो यहाँ एक क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, क्या सभी MLM स्कैम है? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है कि नहीं। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM हो गया, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हो गई, या फिर आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ये स्कैम्स नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ सदमा लगे कि कैसे रस्टिन ने यहाँ पे इसको स्कैम नहीं बोला। अब लोग कहेंगे अगर नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये स्कैम नहीं है, तो आप हमारे प्रोजेक्ट को स्कैम क्यों बोलते हो? जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये इंडिया में इलीगल भी है। अगर ये स्कैम होता तो ऑब्वियसली बात है कि इलीगल नहीं होता इंडिया में। अगर आपने देखा होगा आजकल जितने भी स्कीम्स चल रही हैं, सब में क्या हो रहा है कि 1%, 2%, किसी में आधा परसेंट का, हर जगह पे मतलब लगभग 6% से ज्यादा ज्यादा जो है प्रॉफिट कह लो या फिर रिटर्न्स के नाम पे लोगों से इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है। जो कि रियलिटी में अगर आप किसी को 12-14% अगर रिटर्न देना चाहते हो हर महीने, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी क्यों ना अच्छा यहाँ पे बिजनेस करते हो, अच्छे से अच्छा बिजनेस भी यहाँ पे मैक्सिमम जो है 20% सालाना जो है इससे ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता है। आपने बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसका जो स्टॉक कभी आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इन सब जो मार्केटिंग वाले जो कॉइन्स है, इनको मैं स्कैम इस वजह से करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है हाई रिटर्न्स जो है इसका वादा करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिक्स जो है परसेंट पर डे के हिसाब से आपको बोलते हैं कि इतनी इनकम आएगी आएगी, और इस काम के लिए आपको यहाँ पे और मेंबर्स जोड़ने के लिए भी लगा देते हैं। इनके पास कोई ढंग का जो है बिजनेस नहीं होता है। अगर इनके पास एक ढंग का बिजनेस हो जिससे ये आपके दिए हुए पैसों से अगर हर महीने 16% के आसपास या 20% के आसपास भी यहाँ प्रॉफिट अगर बना रहे हैं और उससे आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे हैं, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये जो स्कीम है ये सही तरीके से है। बट जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उस चीज के बारे में हम क्या बात करें यहाँ पे। ये सब लोग क्या करते हैं, जितनी भी स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं इसमें कोई सर्विस नहीं होती। आप जितने भी जो क्वाइन वाले प्रोजेक्ट देख लो, ये बोलेंगे कि हम जो है हमारा वॉलेट ला देंगे, हम जो है हमारा एक्सचेंज ला देंगे, हमारा जो है हमारा ब्लॉकचेन ले आएंगे। चलो ठीक है, आप ले आ रहे हो, इसमें आपको प्रॉफिट कैसे हो रहा है आप बताओ हमें। और जो आप यहाँ पे साल दो दो साल के बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लेके आते हो, जैसे एक एसटीए है, एसटीए को कम से कम आने में यहाँ पे जो अपना ब्लॉकचेन है 2 साल लग गए। अब 2 साल तक इन्होंने क्या यहाँ पे कोई इनकम किया था? अब बोलोगे सर यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनका पैसा ही तो हमारी इनकम होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो नए मेंबर्स को लाते हो वो भी इन्वेस्टर है, उनका पैसा भी यहाँ स्कीम में किसी चीज में इन्वेस्ट होने के लिए आया है। आप क्या कर रहे हो कि नए मेंबर से लेके पैसा पुराने मेंबर को लौटा रहे हो। तो ऐसी जितनी स्कीम्स हैं ये सब इलीगल है। इन सबको पिरामिड और पोंजी स्कीम्स कहते हैं। पोंजी स्कीम्स वो होती है जिसमें आप जो है डायरेक्ट पैसे का रोटेशन करते हो, और जो पिरामिड स्कीम्स होती है उसमें आप कोई सामान बीच में ले आते हो, जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसका जो आपने रेट बढ़ा के आप लोगों को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो वो पिरामिड स्कीम्स कहलाती हैं। और जो स्कीम्स में ऐसे पिरामिड जैसे बन जाता है ना, उसको भी पिरामिड बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं जब उनको पता है ये सब बात। तो दिक्कत यही है जिसकी वजह से लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। लोगों को जानकारी नहीं है कि इतना जो है प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जो लोगों को हाई उम्मीदें दिखाई जाती है कि जो बिटकॉइन है इसका जो प्राइस है पिछले 10 सालों में इतना हो गया, तो हमारा जो ये जो टोकन है इसका रेट भी इतने से इतना हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ये सब झूठे वादे करके आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं, और उसके बाद आपसे जो है पैसा ऐंठ लेते हैं, उनका जो है कमीशन उनको मिल जाता है, और जो बाकी पैसा बचता है वो ऊपर आगे कमीशन लोगों में बढ़ जाता है। इसी तरीके से सिस्टम चलते रहता है। मुझे इन स्कीम वालों से दिक्कत है। अगर आप कभी इन सब के जो एजेंट्स है इनको अगर कभी आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास आएंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, काफी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको बोलेंगे अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो हमारे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आप पैसा लगाओ, इतने परसेंट आपको पर डे के हिसाब से आएगा या इतने परसेंट पर डे के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। आपको धीरे धीरे करके इस चीज पे विश्वास दिला देते हैं कि ये जो कॉइन है जिस तरीके से बिटकॉइन आगे बढ़ा ये भी बढ़ेगा, और लोग इन सब के जाल में फंस भी जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो है अपना प्लान आपको पुश करेंगे कि ये वाला स्कीम आप इसमें ज्वाइन कर लो, इसमें इस तरीके से जो बिजनेस का इनकम है ऐसे ऐसे बनता है, वगलाना डिमकाना, जो कि किसी को कभी समझ में नहीं आता है कि असलियत में क्या हो रहा है, और लोग इसमें फंस जाते हैं। अगला कहता करके देख लेते हैं, कितनी बड़ी बात है, 3-4-5 हजार रुपए की तो बात है, लेकिन ये जो 5-5 हजार रुपए करके लोग हजारों करोड़ों रुपए का जो है ना यहाँ पे धोखाधड़ी कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई न्यूज देखा था MTFE के नाम से, वहां पे 11,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे घोटाला हुआ। अपने इंडिया में जो गुर्दिस हुए छोटे मोटे रह गए उस हिसाब से, यहाँ पे सिर्फ 1,000 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन जो 11,000 करोड़ हुआ वो बांग्लादेश में हुआ, इंडिया में सिर्फ 200 करोड़ हुआ। देख रहे हो कितना खतरनाक है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के बीच में ये पिरामिड स्कीम चलाना। अब मैं चाहता तो इसी बात को आपको थोड़ा सा ऐसे एंटरटेनमेंट करके थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बना के फिर आपको यही सब चीजें समझा देता, लेकिन देखो मैं सिंपल सा इंसान हूँ, मैं जो है टाइम की कीमत समझता हूँ। मेरे पास जो है आप देखते हो एडिटिंग इतनी कोई हैवी नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल एडिटिंग होती है, कट टू कट बात रखता हूँ कि ये जो चीज है इस तरीके से है, चाहे बात कैसी भी हो, अच्छी हो या कड़वी हो, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब आपको सही समझना है, इसको गलत
गलत समझना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक बात सोचो, कभी आप मान लो किसी शॉप पे हो, ठीक है, आपको कोई सामान चाहिए, आप क्या करते हो, पहले उसके पास जाते हो, उसको बोलते हो कि डायरेक्ट मुझे ये सामान चाहिए, है ना, आपको वो जो सामान है मिल जाता है। अगर आप इसकी बजाय थोड़ा से मीठे मीठे बातें करो कि सर आपकी दुकान बहुत अच्छी है, आपका जो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे इसका एग्जांपल दे सकते हो, इस तरीके से थोड़ी आप लेते हो, आप सीधा कट टू कट बात करते हो कि सर मेरे को ये सामान चाहिए, दे दो बस। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर जो बिटकॉइन है वो कैसे उसका इतना जो है प्राइस बढ़ गया, इथेरियम है उसका प्राइस बढ़ गया, वो तो कोई सर्विस भी नहीं देते हैं। यहाँ पे चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जो बिटकॉइन है ये सबका बाप है, ये जब आया था तब कोई भी नहीं था इसके कंपटीशन, लोगों ने अपने कंप्यूटर पे माइन किया, उन्होंने किसी के पास जाके नहीं सेल किया कि ये जो है क्रिप्टो है, आने वाले टाइम में इसका जो रेट है इतना ज्यादा हो जाएगा, आप बिटकॉइन बाय कर लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग अपने घर पे कंप्यूटर दिन रात चला के रखते थे माइनिंग करने के लिए, उस टाइम पे प्रॉफिटेबल नहीं था बिटकॉइन। जैसे अभी मैं माइनिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, आपको पता लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी के टाइम में बहुत सारे कॉइन है जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, आप उल्टा लॉस में चल रहे होगे, आप कहोगे यार क्या जरूरत है मुझे इसको माइन करने की, लेकिन यही तो दिक्कत है, आपको क्या पता है कि कौन सा कॉइन आने वाले टाइम में बिटकॉइन बन जाएगा। उसी तरीके से उस टाइम पे भी लोगों को नहीं पता था, लोगों ने इसको बहुत ही सस्ते रेट पे बेच दिया, लोग अभी पछताते हैं कि यार यार उस टाइम पे मुझे पता होता, यही तो दिक्कत है, पता किसी को भी नहीं है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक कोई आदमी था जिसने 10,000 बिटकॉइन के एक पिज्जा ले लिया, उस टाइम पे उसकी कीमत कितनी थी, वो $20-30 की कीमत थी बिटकॉइन की, एक 10,000 जो बिटकॉइन थे मेरे हिसाब से, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये ऐसा कुछ ही था, आप जाके चेक कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। उसको देख के इथेरियम आया, इथेरियम बोला कि हम सर्विस देंगे, हम सारी चीज देंगे, और उन्होंने दिया भी, सर्विस देने के बाद भी वो जो है बिटकॉइन को कभी पछाड़ नहीं पाया, अभी भी वो उससे काफी पीछे है, काफी पीछे। आप देखो इवन दो इथेरियम में पोटेंशियल है, वो बिटकॉइन से बेहतर है, लेकिन फिर भी लोग उसे यूज नहीं करते। अब उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो इथेरियम है इसके कंपटीशन में बीएनबी आया, बीएनबी के कंपटीशन में ट्रॉन आया, क्यों, क्योंकि जो इथेरियम है उसमें गैस फीस बहुत ज्यादा लगती थी, बाइनांस पे जो है गैस फीस बहुत कम लगती है, कोई भी उसको पे कर सकता है। अब यहाँ पे एक लेवल और बढ़ के जो ट्रॉन नेटवर्क था वो आए, बोले कि भैया हम तो बिल्कुल फ्री कर दे रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन करो बस, लेकिन वहां पे लोगों को प्रॉफिट नहीं था, इस वजह से जो है उसको कोई इतना यूज नहीं करता है, लोग करते हैं अभी भी यूज, लेकिन जो ट्रांजेक्शन फीस है या बोलो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे इतनी नहीं है, जिसकी वजह से जो उसके इन्वेस्टर है उसको इतना फायदा नहीं होता है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर बहुत सारी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं जो कि सही चल रही हैं, जैसे कि आरसीएम हो गया, तो देखो आरसीएम है एक डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी जो है उस पे काम करती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मतलब ये क्या चाहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट इनके कस्टमर तक पहुंच जाए, इसमें कोई दूसरे जो है होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स वगैरह ना आए, ताकि जो है डायरेक्ट कस्टमर तक जो आपका प्रोडक्ट है वो सस्ते रेट में पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, जहाँ पे ये जो रिटेलर और होलसेलर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स को ले लिया कि जिनका कमीशन भी इनको देना पड़ता। अब ये कमीशन कहाँ से आएगा, अपनी जेब से तो कंपनी कहाँ से पैसा देगी, कंपनी के पास तो कोई पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करती है प्रोडक्ट के अंदर ही जो उसका प्राइस है उसको इंक्रीज करके सबका कमीशन एडजस्ट करके प्रोडक्ट का रेट निकालती है। जब उसको कोई बाय करता है तो सबका जो कमीशन है अपने आप उसको पहुंच जाता है, और यहाँ पे जो भी कमीशन बनता है वो बनता है सेल्स के ऊपर, जितनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी, क्रिप्टो की सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की सेल्स की बात करें जो कि रियल लाइफ में यूज होती है, उसमें से उनको कमीशन मिलता है। जो मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कंपनी ऑब्वियसली बात है अपना कट करती है, अपना जो प्रॉफिट है वो भी कट करती है। यानी कि अगर आपको इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग से पैसा कमाना है तो आपको इसमें हाई सेल्स करनी पड़ेंगी, वो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, क्रिप्टो का ऐसा कोई सर्विस नहीं है, अभी कोई यूज नहीं कर रहा है इसने अच्छे तरीके से बाकी सब चीजें प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपने लास्ट टाइम जो है आरसीएम का प्रोडक्ट कब यूज किया था, या कोई भी ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला प्रोडक्ट कब यूज किया था? बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जो प्राइस है इतना ज्यादा है कि उसको लेने में वो फायदा नहीं रहता है। अगर आप नॉर्मल किसी भी शॉप पे जाओगे आपको 10 रुपए से आपको सामान देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट है इसका जो रेट है ये 100 रुपए से स्टार्ट ही होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे बहुत ही थोड़े पैसे पे काम करती है, वो क्या करती है कि हमको 50 पैसे बचेगा हम इतने पे काम करेंगे। हमको आपने कभी जो कुरकुरे का पैकेट खाया है ओरिजिनल वाला, तो उसमें आप देखोगे कि वो चीज होलसेल में आपको 4.5 रुपए की पड़ेगी, और जो होलसेलर है उसको 4 रुपए के आसपास की पड़ती है। यहाँ पे कमीशन मार्जिन देख रहे हो बहुत कम, और दूसरी तरफ अगर आप कोई सस्ते वाली कंपनी के देखते हो कुरकुरे चिप्स, वहां पे आपको क्या रेट देखने को मिलेगा, वहां पे वही जो प्रोडक्ट है 3 रुपए से शुरू हो जाता है, यानी कि वहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, 4 रुपए का होलसेलर बेचता है, 5 रुपए का रिटेलर बेचता है, दोनों को 1-1 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो जहां पे आपको क्वालिटी मिलती है अच्छी, जहां पे आपको सर्विस अच्छी मिलती है, वहां पे आपको जो है प्राइस है वो ज्यादा पे करना पड़ता है, क्वालिटी वहां पे तब जाके बेहतर निकल के आ पाती है, और वहां पे जो कमीशन है वो भी बहुत कम होता है। तो जितने भी
स्कैम वाले प्रोजेक्ट हैं इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि नए इन्वेस्टर से पैसा लेंगे और पुराने जो इन्वेस्टर है उनको जो है प्रॉफिट बोलो या फिर रिटर्न बोलो इन्होंने प्रॉमिस किया वो पे करते रहते हैं। जब मान लो कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है कंपनी भाग जाती है, बहुत सारी कंपनी के साथ ऐसा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है क्रिप्टो में, यहाँ पे जो बड़े लीडर्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं हाथों हाथ जो अपना क्रिप्टो है वो बेचते रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में धीरे धीरे करके जो कॉइन है डंप होने रखता है। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मैं जितने भी जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले कॉइन्स है इनको स्कैम बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके ही सही लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों का जो पैसा है वो मरता है। इस स्कीम का अपना ही एक फ्लॉ है, इससे ज्यादा बेटर तो डायरेक्ट जो होलसेलर और रिटेलर वाला बिजनेस है वो ज्यादा बेटर है, वहां पे कम से कम पता तो है कि क्या है क्या नहीं है, वहां पे सब चीज का जो कमीशन वगैरह फिक्स रहता है कि भाई तुम्हें इतना मिलना है तो इतना ही मिलेगा, उसमें ज्यादा जो लोग हैं नहीं जुड़ते हैं और जिसको प्रोडक्ट जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से अपना ले लेता है, घर घर जाके आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। अब जो भी चीज थी पॉजिटिव थी नेगेटिव थी सब मैंने आपके सामने रख दी, अब आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। जहां पे भी आपको जो फिक्स रिटर्न वगैरह मिल रहा है क्रिप्टो में मैं तो यही कहूंगा इन सब स्कैम वाले प्रोजेक्ट से दूर रहो, क्योंकि इनके पास ना तो कोई बिजनेस है ना कोई सर्विस है ना कोई डेवलपमेंट है, बस हाई होप्स दे के आपको फेक प्रॉमिस करके आपका पैसा जो है ले लेंगे और आपको बोलेंगे कि नए मेंबर जोड़ो, और जो कि मुझे सबसे घटिया लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग घटिया या फिर ये जो एक तरीके का स्कैम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है अपने जो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसका जो यूज है जो लोग कर रहे हैं गलत तरीके से उस चीज से दिक्कत है। आई होप आप लोगों को मेरी जो बात है ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या इसे समझ में आया, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने किस हद तक आपको जो है समझा पाया हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर